तो वीडियो की शुरुआत में वापस से गुलजार साहब की लाइनों से ही करना चाहूंगा कि कल मैं नए नए आम खरीद के लाया पर स्वाद में निकले वो फीके, कि कल मैं नए नए आम खरीद के लाया पर स्वाद में निकले वो फीके, भाई हारने की कला कोई लखनऊ से सीखे। बस बस बस, इतनी ताली मत बजाइए, अरे सीट पे बैठे रहिए, खड़े मत होइए। चलिए अच्छा एक और सुना रहा हूँ बस। ये भी ठीक है कि अगर पिताजी कुछ कहें तो उनकी बातों पे नहीं करते हैं डाउट, कि अगर पिताजी कुछ कहें तो उनकी बातों पे नहीं करते हैं डाउट, और अगर अपोजिशन टीम में केएल राहुल खेल रहे हो तो उन्हें नहीं करते हैं आउट। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो भाई कल के मैच में जो हुआ वो तो तुम जानते ही होगे, लेकिन कल का मैच खत्म होने के बाद मेरे हाथ दो ऐसी वीडियो लगी है जो आपने नहीं देखी होंगी, पर चिंता मत करिए आपको मैं दिखाई देता हूँ। पहली वीडियो जो है वो है केएल राहुल की, क्योंकि मैच खत्म होने के बाद जो केएल राहुल है वो गुजरात टाइटंस की टीम से मिले थे। सही बता रहा हूं, नहीं पता क्या तुम्हें? लो देखो। और इसके बाद मेरे हाथों एक और वीडियो लगी है जो कि गौतम गंभीर की है। मैं यहां पे आपको यह भी बताना चाहूंगा कि कल के दिन जब लखनऊ और गुजरात का मैच खत्म हो गया था तो मेरी बात हुई थी डेविड मिलर से। उस समय डेविड मिलर कुछ ज्यादा बोलने के मूड में नहीं थे, तो मैंने बस उनसे यह पूछ लिया कि आज के मैच में जिस तरीके से केएल राहुल ने खेला है या फिर आज के मैच में जिस तरीके से लखनऊ के बैट्समैनों ने खेला है, तो उन्होंने आज के मैच में असल में क्या करा है, इसको आप क्या कहेंगे? तो मिलर ने मुझको कुछ बोला तो नहीं, बस एक इशारा करके भेज दिया। आप खुद देखिए, हक दिया। अब यहां पे मिलर क्या कहना चाह रहे हैं अगर आप लोग समझ गए तो कमेंट में जरूर बताना। तो भाई बात हो रही थी केएल राहुल की। देखो मेरे को तो एक बात समझ में नहीं आ रही है कि केएल राहुल ने ना जाने किससे कौन सा वादा कर लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए पहला ओवर तो मैं मेडन निकालूंगा। नहीं, बचपन में चलो पहली बॉल ट्राई होती थी समझ में आता था, यहां केएल राहुल तो अपना ही लॉजिक लगा रहे हैं। इन्होंने कह दिया भाई मैं तो पहला ओवर ही ट्रायल मानूंगा पूरा। और कोई इनको बताओ कि इनका नाम केएल राहुल है, राहुल द्रविड़ नहीं है? भाई राहुल द्रविड़ भी जब अपना आखिरी मैच खेल रहा था ना उसमें भी 3 छक्के मार दिए थे उन्होंने, और वहां भी उनकी ग्रेड जो थी 160-170 के करीब थी, लेकिन केएल राहुल कहते हैं 110 के ऊपर मैं नहीं जाएगा, चाहे कुछ हो जाए मैं नहीं जाएगा, तो मैं नहीं जाएगा। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। और कल के दिन केएल राहुल ने मारे हैं 61 बॉल पे 68 रन, जहां उनकी जो स्ट्राइक रेट थी वो वही जो उनकी रहती है 109-110 की, कल तो थोड़ी ज्यादा हो गई वरना इससे कम ही रहती है। तो आपने अगर कल का मैच लाइव देखा होगा ना तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी, जब केएल राहुल बैटिंग कर रहे थे तो बार बार कैमरा गौतम गंभीर की तरफ जा रहा था। गौतम गंभीर एकदम भैया दुखी हो रखे थे, एकदम गुमसुम हो रखे थे। तो वो दुखी इसलिए नहीं थे कि लखनऊ भैया ये मैच हार जाएगी, वो दुखी इसलिए थे क्योंकि वो ये सोच रहे थे कि भाई मैं रिटायर क्यों हुआ, अगर मैं खेल रहा होता ना इतने रन तो मैं भी मार देता, भाई से ज्यादा ही मार देता। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। लेकिन भाई देखो झूठ नहीं बोलूंगा, कल के दिन जिस इंसान ने सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है ना वो था कल के मैच का इंपैक्ट प्लेयर, और उसका नाम है केएल राहुल। क्योंकि क्या इंपैक्ट छोड़ा है भाई गुजरात की जीत में। पर मेरे को एक बात ठीक नहीं लगी कि मैच खत्म होने के बाद मैन ऑफ द मैच मोहित शर्मा को क्यों दे दिया। भाई मैन ऑफ द मैच तो किसी और को मिलना था, किसको नहीं समझे क्या? नहीं नहीं, केएल राहुल को नहीं, किसी और को मिलना था। चलो वीडियो देखते रहो, बताता हूँ। ठीक है, पर वो देखने से पहले आज फिर से होने हैं दो बहुत ही बड़े महामुकाबले। पहला मैच जहाँ है आरसीबी और राजस्थान का, तो दूसरा मैच होना है सीएसके वर्सेस केकेआर का। तो दोनों ही मैच भैया एकदम टॉप लेवल के होने वाले हैं, लेकिन अपना तो फायदा ही है ना, दो दो मैच हैं, यानी कि अपने पास डबल मौका होगा पैसा कमाने का। कैसे? ट्रेगो पे जाके भाई बस यस या नो करेंगे और पैसा ही पैसा छापेंगे। अब जैसे पहले ही मैच का क्वेश्चन देख लो, क्या जो आरसीबी है वो आरआर से जीतेगी? दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्या जो विराट कोहली है वो 30 प्लस का स्कोर करेंगे? वही बात आती है दूसरे मैच की, तो क्या क्वेश्चन है? बहुत इजी भाई, क्या जो सीएसके है वो केकेआर से जीतेगी? उसी मैच का दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्या जो डिवॉन कॉनवे है वो 30 प्लस का स्कोर करेंगे? तो इन चारों ही क्वेश्चन में, दोनों ही मैच में मैं एक-एक क्वेश्चन यहां पे पकड़ रहा हूं कि विराट कोहली 30 प्लस का स्कोर करेंगे और दूसरा क्वेश्चन डिवॉन कॉनवे भी 30 प्लस का स्कोर करेंगे। चाहे कोई भी जीते, वो प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा रिस्की है, लेकिन दोनों के ही 30 प्लस स्कोर पे मैंने यस कर दिया है, हजार रुपए इन्वेस्ट कर दिए हैं, रेट और क्वांटिटी सिलेक्ट करी है। बस अब जैसे ही विराट कोहली या डिवॉन कॉनवे में से कोई भी 30 प्लस का स्कोर करेगा पैसा ही पैसा बाबू भैया, तुम क्या वेट करो भाई, जल्दी जाओ जाके प्रेडिक्ट करो यस या नो, अगर सही हो गया तो तुम्हारे पास भी होगा क्या, पैसा ही पैसा बाबू भैया। इसके अलावा जैसा कि तुमको पता ही है भाई, पहले ही रिचार्ज पे 20% का कैशबैक मिल जाता है, और सेम टाइम पे जैसे ही तुम डिस्क्रिप्शन और प्रिंट करने में दिए हुए मेरे लिंक से यहां पे जाते हो और मेरा प्रोमो कोड Joshi25 यूज करते हो तो 25 रुपए का बोनस मिल जाता है, जिससे तुम खेलना स्टार्ट भी कर सकते हो। और जैसा मैंने कहा भाई, सिर्फ यस या नो करना है, इतना आसान तरीका पैसा कमाने का कहीं भी नहीं होने वाला है। उसके अलावा ट्रेगो पे लीडर बोर्ड भी चलता है, टॉप 3 लोगों को भैया थाईलैंड
जाने का मौका मिल रहा है। उसके नीचे की रैंक वालों को बड़े बड़े कैश प्राइजेस मिलते हैं। चाहे तो टॉप 10 लिस्ट तुम देख सकते हो, तुम्हारे ऐप पे भी तुमको देखने को मिल जाएगा, और इन टॉप 10 लोगों का तुम्हें रेफरल कोड भी दिख रहा है, चाहे तो भैया उसका भी यूज कर सकते हो। तो बस भाई इतना कुछ मिल रहा है, और क्या चाहिए तुमको, ये सब कहीं नहीं मिलने वाला है। और सेम टाइम पे डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मौजूद है, जहां पे मैच के दौरान मैं क्वेश्चन डालता रहता हूं, ये क्वेश्चन आ गए जाओ जल्दी यस या नो करो, सब कुछ मैं तुमको अपडेटेड रखता हूं। क्योंकि भाई अगर हम पैसा बना रहे हैं तो तुमको बना के देना भैया हमारा ही तो फर्ज है ना। तो अभी जाओ डिस्क्रिप्शन प्रिंट करने दिए हुए लिंक से ट्रिगो ऐप को डाउनलोड करो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो और खूब सारा पैसा कमाओ। तो जैसा मैं कह रहा था कि कल के मैच में जो सबसे ज्यादा खराब चीज मुझको लगी वो ये थी कि मोहित शर्मा को मैन ऑफ द मैच दिया गया। भाई असल मैन ऑफ द मैच जो बंदा डिजर्व करता था वो थे विजय शंकर। भाई 12 रन पे जब केएल राहुल खेल रहे थे ना, तब विजय शंकर ने उनका कैच छोड़ा था। अगर गलती से भी कैच पकड़ लेता बंदा तो जीत जाती लखनऊ। तो असल कॉन्ट्रीब्यूशन जीत में तो विजय शंकर का रहा है गुजरात की। तुमने देखा होगा कि कल के दिन जैसी मैच खत्म हुआ था तो हार्दिक पांड्या मुस्कुराते हुए एक अलग ही सुकून से भैया भगवान की तरफ देख रहे थे कि थैंक गॉड ने केएल राहुल का कैच छुड़वा दिया। जो अभी मैच हुआ था ना आरसीबी और लखनऊ का, जहां भैया आखिरी बॉल में मैनकेड हो रहा था, मैंने वहां साफ-साफ कहा था, आज की तारीख में जाके तुम ये वीडियो देख लो जाके, उसमें मैंने साफ-साफ कहा था कि वो जो मैच हारी है आरसीबी वो हारी है विराट कोहली की वजह से, क्योंकि उन्होंने केएल राहुल का कैच पकड़ लिया था, नहीं पकड़ा होता वो मैच भी जीत जाती आरसीबी। बात तो सही है। इवन तुमने कल के मैच में ये भी नोटिस करा होगा, जब मोहित शर्मा आखिरी ओवर डाल रहे थे और वो जैसे ही केएल राहुल को आउट करते हैं तो वो अपने दोनों हाथ जोड़ लेते हैं कि सॉरी सॉरी मेरे से गलती हो गई यार, मैंने किसे आउट कर दिया, भारी मिस्टेक हो गया सर। खैर जहां इतनी मोहित शर्मा की बात हो रही है तो भैया बहुत बड़ा कांग्रेचुलेशन मोहित शर्मा को कि भाई 3 साल बाद बंदा आईपीएल में रिटर्न कर रहा था। भैया उम्मीद खो दी थी कि अब खेलेंगे भी नहीं खेलेंगे, बंदा रिटायर होने वाला था, लेकिन उसके बाद मोहित शर्मा आते हैं, दो दो मैन ऑफ द मैच लिए हैं इस आईपीएल में। अभी तक दो ही बंदों को भैया दो दो मैन ऑफ द मैच मिले हैं, एक तो है रविंद्र जडेजा क्योंकि वो सर रविंद्र जडेजा हैं, और दूसरे हैं मोहित शर्मा जो कि भैया सीएसके से ही खेलते, मतलब उन्होंने सीएसके नहीं बनाया उनको, या फिर कहें धोनी ने बनाया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि भैया पिछला मैच जो गुजरात का हुआ था ना, वहां पे मैं कह रहा था कि मोहित शर्मा को ओवर दे दो, लेकिन गुजरात ने नहीं दिया, हार गई। तब तो भैया वो 2 ओवर में बंदा 7 रन दिया था। इवन कल भी मोहित शर्मा के 4 ओवर नहीं डलवाए हैं, मतलब मेरे को तो समझ भी नहीं आ रहा है कि मोहित शर्मा से दुश्मनी क्या है हार्दिक पांड्या की, पता नहीं। पर असल सीख देखो मुझे कल के मैच से यह मिली कि आने वाले टाइम में भैया किसी भी टीम को अगर 12 बॉल पे 10 रन या 8 रन भी क्यों ना चाहिए हो तो भाई टीवी बंद नहीं करने का, लैपटॉप से जियो सिनेमा को क्रॉस नहीं मानने का, भाई मैच देखते रहने का। क्या पता केएल राहुल बैटिंग कर रहे हो या फिर उनके जैसे कोई कर रहे हो जो पूरी ताकत रखते हो एक बहुत ही जीते हुए मैच को पूरे तरीके से हरा देने का। कुछ लोग सोच रहे होंगे मैं केएल राहुल को बहुत ज्यादा ही ट्रॉल कर रहा हूं, बहुत ज्यादा भला बुरा बोल रहा हूं। देखो भला बुरा या फिर ट्रॉल करना ये तो देखो मस्ती मजाक है, तुम भी जानते हो कटाक्ष है, तारीफ हम भी करते हैं भैया, अगर रन मारेंगे तो हम ही तारीफ करेंगे और कौन करेगा, जब हमारा चैनल है तो इस चैनल पे हम ही करेंगे ना। लेकिन कमाल की बात कह लें या फिर दुख करने वाली बात यह है, दुख देने वाली बात यह है कि केएल राहुल ने सिर्फ कल के मैच में यह चीज नहीं करी है, भैया हर मैच में उसी तरीके से खेल रहे हैं। शुरू में आते हैं टुकुर 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 देख, वही नाटक चलता रहता है भाई। चलो 3 मैच में मारते 3 में नहीं मारते कोई दिक्कत की बात नहीं थी, 110 की स्ट्राइक रेट चल रही, मतलब क्या फायदा यह रन मारने का। तुम सीधी सी बात समझो कि ये जो 61 बॉल पे 68 रन मारे हैं क्या बाकी प्लेयर नहीं मार सकते थे, उन्होंने कोशिश करी कि वो चौके छक्के के लिए जाए इसलिए आउट हो गए। अब केएल राहुल ने आखिरी ओवर में करी वो दूसरी बात है, वो भी आउट हो गए, लेकिन वही कोशिश थोड़ी सी पहले कर रहे होते और भाई अच्छा खासा खेल रहे थे, 38 बॉल पे 50 मार दिए थे, जबकि जैसा मैंने बताया पहला ओवर मिडन डाल दिया था, लेकिन उसके बावजूद ही भैया आप कांड कर दिया है तो सुनना तो पड़ेगा ना। और दुख होता है भाई, दुख होता है तभी इंसान का गुस्सा निकलता है, वो गुस्सा भले थोड़ा सा मजाक के रूप में निकल रहा है, अब क्या कर सकते हैं बताओ, तुम ही बताओ तुमको क्या लगा कल की पारी देख के, तुम्हें लगा कि भैया अरे ठीक है चलो हो गया सो हो गया। भले केएल राहुल ने मैच खत्म होने के बाद यही कहा कि भाई मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है आज के मैच में हुआ क्या, आई डिडंट नो व्हाट जस्ट हैपेंड। भाई हम बता रहे हैं क्या हुआ, मैच हरा दिया अपनी टीम को तुम, बाकी देखो मैं बता दे रहा हूँ कि जो आईपीएल 2023 है वो गुजरात जीतने वाली है, नहीं लिख के ले लो गुजरात जीतने वाली है, क्योंकि भाई प्लेऑफ के कह लो फाइनल के कह लो पूरा स्केड्यूल आ गया है। 2 मैच जो होते हैं क्वालिफायर एलिमिनेटर वो चेन्नई में होने हैं, दूसरा जो क्वालिफायर है वो अहमदाबाद में होना है, और जो फाइनल है वो भी अहमदाबाद में होना है। और जब गुजरात भैया अगर फाइनल में पहुंच गई और मैच जब अहमदाबाद में हो रहा होगा तो कौन जीतेगा, गुजरात ही जीतेगी ना, और कौन जीतेगा। साला कल का मैच देख के मुझे 2 पल के लिए ऐसा लगा कि मैच फिक्स चल रहा है, मतलब वहां योगी जी घबरा गए, भैया
इससे अच्छी फिक्सिंग तो हम नहीं कर पाते, ये हमसे अच्छी फिक्सिंग कर दिए। अब भाई जो यूपी में है उसी को ये पंच समझ में आया होगा। खैर किस किस को ये पंच समझ में आया एक बार कमेंट में जरूर बताना। बाकी देखो भाई क्या ही बोलूं, तुम ही लोग बताओ, जो भी वीडियो देख रहा है तुम्हारे हिसाब से कल जो केएल राहुल जिस तरीके से खेले हैं, तुम्हारा उस पर जो भी कहना है, जो भी तुम्हारा मानना है, सही था, गलत था, ये हो सकता था, वो हो सकता था, जो भी तुम्हारा मानना है आंख बंद करके कमेंट में जरूर बताना। और योगी जी स्क्रिप्टिंग फिक्सिंग वाली अगर लाइन जिस जिसको समझ में आई है, यूपी वाले समझ गए होंगे तो वो भी कमेंट बता सकते हैं। खैर जिसको समझ में आई, नहीं समझ में आई, मतलब जिसको भी समझ में आई है ना भाई, एक बार कमेंट में जरूर बताना। भाई ने बोला करने का तो करने का। बाकी डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में दिए हुए ट्रेगो ऐप को चेकआउट करना बिल्कुल ही मत भूलना, क्योंकि सिर्फ यस या नो करके पैसा कमाने का इससे अच्छा मौका और कहीं मिल ही नहीं सकता। और सेम टाइम पे डिस्क्रिप्शन में ही लिंक मौजूद है मेरे टेलीग्राम चैनल का, उसको ज्वाइन कर लेना, वहां पे सब कुछ आता रहता है, जो भी क्वेश्चंस लाइव हो रहे हैं, इजी इजी क्वेश्चन सारी प्रेडिक्शन के साथ मैं वहां डालता रहता हूं, ताकि भले तुम मैच ना भी देख रहे हो तुमको पूरे तरीके से अपडेट मिलते रहे कि भैया कौन सा क्वेश्चन है जहां पैसा बन सकता है और तुम्हें क्या करना है, सिर्फ यस या नो करना है। बाकी साइन अप करते जोशी 25 यूज करते ही तुमको 25 रुपए का बोनस मिल रहा है, इससे तुम खेलना स्टार्ट कर सकते हो, तो क्यों वेट कर रहे हो, बिल्कुल भी टाइम मत वेस्ट करो, अभी जाके ट्रेगो ऐप को डाउनलोड करो। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराए तो प्लीज जो भी ये वीडियो देख रहा है थोड़ा सपोर्ट करने के लिए अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।